आज आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताना चाहता हूँ कि कैसे अपने सी पैनल में जा करके रोबोट डॉट टी एक्स टी को अपडेट करें। वो जो एक फाइल होती है जो जो कि किसी भी साइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वो आप अपने सी पैनल में जा करके या एफटीपी से जा करके अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सी पैनल में जा करके कैसे अपडेट करें। तो पहले हम अपना सी पैनल खोलें, फिर यहाँ पे अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसको डालेंगे, और आफ्टर लॉगिन करने के बाद हमको ये एक पेज मिलेगा जो कि सी पैनल का है, ठीक है। अब इस पेज पे जा करके हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फाइल मैनेजर कहाँ पे है। आपको सी पैनल के फर्स्ट पेज में मिलेगा ये फाइल्स वाले में फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में जा करके आप ओपन करोगे फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में आपको बहुत सारे फाइल मिलेंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे जा करके जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाना है आपको, तो यहाँ पे जाइए पब्लिक अंडरस्कोर इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फाइल मिले, तो आपको यहीं पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पे अपलोड मैंने अपलोड किया है, बट आप वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे अपलोड पे बटन पे क्लिक करिएगा तो एक नया विंडोज़ खुलेगा, ठीक है। अब एक नया विंडोज़ खुलेगा तो ओवरराइट करना है। अगर मान लीजिए हमको इसको अपलोड करनी है, ये हम डाउनलोड कर लिए, राइट। अब इसको हमको अपलोड करना है, तो हम वो अपलोड ऐसे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट में जा करके और रोबोट डॉट txt करेंगे, हो गया। और ये मैंने ओवरराइड के बटन पे तो क्लिक किया ही है, तो हमारा ओवरराइट हो जाएगा और ये डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये रोबोट डॉट txt फिर से आ गई। देखिए देखिए डुप्लीकेट तो हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम चाहें तो मतलब जो भी फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये रोबोट डॉट txt, साइट मैप, ये सब यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये कैसा रहा? अगर 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 कोई परेशानी है तो आप हमको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से, आप नहीं तो आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया है, तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।